बड़ा खूबसूरत एरिया है इस इलाके का, ये चकवाल में जो खूबसूरत इलाके हैं उनमें आता है। तो ये बेसिकली गांव है इधर पिपली, इसको पिपलिस्तान भी बोलते हैं, पिपलिस्तान का ये शाह की कोई लगदा बस्ती है जी, ये शाह बस्ती। बहरहाल किसी को मालूमात लेने आ डेरे ते बारे, क्योंकि अच्छी चीज है देखनी चाहिए है, ते हो सकता कुछ अच्छे बुजुर्ग गुजरे हो या कोई। बिस्मिल्लाह भाईजान, भाईजान रुको गल सुनो, तुसी इस इलाके दे रहण वाले हो, असी बड़े दूरों आया ते असी जानना चाहते हो जी ये बोट। वालेकुम अस्सलाम, ते ए कित्थों आए हो? असी आए हां पिंड दादू खान तो, ते बस इते एक फैता जी आखणा है संगी आया तो उधर गए, तो बस पर नाल पिपली भटियां गुजर उत्ते गए सा। जी 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 सारी खैर खैरियत दुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, विलेज लाइफ विद मुदस्सर अमीर के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकराम, आज हम मौजूद हैं चकवाल के इलाका बलकसर में, और ये बोर्ड आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, जीए शाह की बस्ती। ये नीचे जो डेरा आपको नज़र आ रहा है खूबसूरत, ये जीए शाह की बस्ती है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। इसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल बताते हैं और व्यू भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत एरिया है, ये कुदरती तौर पर एक खूबसूरती है, कुदरत का करिश्मा है। तो आइए आपको मज़ीद चेक कराते हैं जी। तो नाजरीन, इसी इलाके में एक कुआं भी वाक़ है जो तारीखी अहमियत रखता है, बहुत पुराना है। इस इलाके के बासी जो हैं वो बताते हैं, पुराने बुजुर्ग, के जब वो बचपन की उम्र में थे तो तब भी ये कुआं मौजूद था। ये कुआं आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर अभी जो है वो तामीर कर दी गई है, ये ब्लॉक्स वगैरह लगा के। तो नीचे वही इसका स्ट्रक्चर जो है, वही जो इसका खालिसतन मिट्टी थी इस एरिए की, पहाड़ वगैरह थे वही मौजूद हैं। तो पानी जो है इसका तकरीबन 10 फुट पे अब भी पानी खड़ा है, पानी इसमें काफी मकदार में मौजूद है। तकरीबन ये 1880 की दिहाई में ये कुआं जो था वो खुदाई किया गया, जैसे कि यहाँ के लोग बताते हैं पिपला के। तो ये काफी पुराना है, तकरीबन एक सदी गुजर चुकी है, इसको सदी से भी ज्यादा हो चुका है। ये कुआं अपनी असली हालत में अब भी मौजूद है और इसमें पानी भी है, लेकिन अब चूंकि पहले लोग जो थे वो काफी पानी इस्तेमाल करते थे, अब पानी हर जगह मौजूद है, बोर वगैरह हो चुके हैं घरों में, तो यहाँ पे पानी कोई इतना ज्यादा खास इस्तेमाल नहीं करता। साथ भी जो है इसके जो पानी है वो आपको पहले मैंने दिखाया है मिनी डैम की शक्ल में, तो काफी मकदार में मौजूद है, लिहाजा ये बेवकत अब हो गया है, लेकिन काफी पुराना है, तारीखी लिहाज से बहुत पुराना है, सदी गुजर चुकी है। तो बिल्कुल पहाड़ियों के दामन में ये मौजूद है, बहुत खूबसूरत व्यू है शाम का, बिलखसूस यहाँ का व्यू जो है वो एक मानी रखता है। सूरज गुरूब हो रहा है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें जो हैं वो आ रही हैं, तो एक खूबसूरत मंजर है गांव में। इन ये जो जगह है बड़ा खूबसूरत एरिया है इस इलाके का, ये चकवाल में जो खूबसूरत इलाके हैं उनमें आता है। तो ये बेसिकली गांव है इधर पिपली, इसको पिपलिस्तान भी बोलते हैं, पिपलिस्तान का ये एरिया है बेसिकली। तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत खेत भी हैं, और इस खेत होने के अलावा यहाँ पे जो सब्जो शादाब जो आपको नजर आ रहे हैं दरख्त, उनमें खजूर भी है, खजूर के काफी इधर जो है दरख्त लगे हुए हैं। और इधर ही थोड़ा सा आगे हमारे इधर जाए थोड़ा सा आगे, ये आपको नजर आ रही होंगी प्लेट्स लगी हुई, ये वाटर का जो बंदोबस्त है वो हुआ है शमसी तवनाई के जरिए। और इस इलाके के थोड़ा सा ये पहाड़ी की उस तरफ जाए तो दूसरी तरफ क्या है कि आपको बागात मिलेंगे अंगूर के, इसके अलावा जो जैतून है वो काफी मकदार में इधर लगा हुआ है। चकवाल जो है वो आपको शायद इल्म है या नहीं, जैतून के बागात के मैं तकरीबन ये तीसरे के चौथे नंबर पे आता है, शायद ये पब्लिश भी हुई थी बात, पीटीवी पे भी बताया गया था कि चकवाल में जो है बहुत ज्यादा बागात लगाए गए हैं जैतून के। तो अल्लाह के फजल से जैतून जो है इस एरिया में काफी मकदार में लगाया गया है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है।
काफी पॉजिटिव है माशाल्लाह। तो अंगूर जो है वो भी काफी मिकदार में है, गिर्दोनवा में बहुत से मकामात पर लगाया गया है, करसाल में भी अंगूर जो है वो काफी मिकदार में लगाया गया और उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर है। अच्छी नस्ल का जो अंगूर है वो इस इलाके में लगाया गया है। तो मजीद जो है खूबसूरती के हवाले से कई यहाँ जगह है यहाँ पे चकवाल में मौजूद है, बारी बारी हम आपको सारी जो जगह है वो विजिट कराएंगे। तो आज पिपली का आपको व्यू सारा दिखाते हैं, हवाई जहाज भी इंशाल्लाह होगा और नीचे भी अभी यहाँ पे पानी मौजूद है नीचे, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ छोटा मिनी डैम शक्ल का है तो वो भी आपको विजिट कराते हैं। आइए नाजरीन हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे पानी मौजूद है काफी मिकदार में, ये पानी आपको नजर आ रहा होगा। ये जिधर से पानी आ रहा है उधर से भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें ये पानी पुल के नीचे से आ रहा है, इसके पीछे भी ये पानी आ किधर से रहा है, सवाल ये पैदा होता है। ये पानी आ रहा है जी पीछे, थोड़ा सा आगे जाएं बलकसर इंटरचेंज जहां मौजूद है वहां पे एक डैम मौजूद है जिसका नाम है द्राबी डैम। द्राबी डैम से जो पानी जो एग्जॉस्ट होता है वो इसी रास्ते से यहाँ से गुजरता है और यहाँ पे जो है जिमीदार लोग जो है जो इस इलाके के बासी हैं उन्होंने ये छोटा सा एक मिनी डैम बनाया हुआ है, इसको शक्ल दी हुई है और यहाँ से पानी से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इस पानी से काफी जो है उनकी जमीन भी, जो आगे अंगूर लगाया गया है जो जैतून के बाग हैं उनको भी पानी लगाते हैं और ये प्लेट्स हैं इनसे जो है वो शमसी तवानाई ले रहे हैं और उससे इस्तेफादा ले रहे हैं बहुत सारा। हाँ ये है इसके अलावा कि इसमें जो लोग हैं उन्होंने मछलियां भी पाल रखी हैं, ये मुझे नहीं पता था। ये दोस्त जो यहाँ के मकामी मौजूद हैं उनसे मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं इधर के बासी जिम्मेदार लोग हैं बेसिकली, तो उन्होंने मछलियां भी यहाँ पाल रखी हैं और यानी उससे अर्न भी कर रहे हैं और खुद भी जो है वो मछलियां इंजॉय कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में। तो ये जो है एक पॉजिटिव चेहरा है, तो इससे फायदा आप भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे पानी कहीं पे मैंने देखा है पाकिस्तान में पंजाब भर में कई जगहों पे जो पानी है वो उसकी वेस्टेज हो रही है, तो आप भी मिनी डैम की शक्ल देकर उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, ऐसी मछलियां पाल सकते हैं, ठीक है बिजली पैदा कर सकते हैं, इससे कई रास्ते निकलते हैं तो आप उससे के जरिए इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं जी। तो नाजरीन ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है विलेज लाइफ विद मुदस्सर अमीर उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस्तेफादा हासिल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।